हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, वो एक्चुअली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे। कोविड के टाइम में हमने इंटरेस्ट रेट कम करके 4% कर दिए थे, और आपका इन्फ्लेशन 5% था पहले, फिर बढ़ के 6% हो गया। तो जब आपका पॉलिसी रेट 4% है और आपका जो इन्फ्लेशन 5.5-6% के पास है, आसपास है, तो जो इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ये है वो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। और जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा दिन चलेगा तो उसका असर फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर मीडियम और लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर रहना चाहिए। मतलब अभी जो मान लीजिए हमारा एक्सपेक्टेशन इस साल ये है कि एवरेज जो है इस साल का 5.1% रहेगा, या फोर्थ क्वार्टर में हमने कहा है शायद 5.2% रहेगा, और या 5.1% हमने कहा है इस साल का फोर्थ क्वार्टर में, और इंटरेस्ट रेट अभी जो है 6.5% है, तो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है 1.3 या 1.4% जो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है। किसी भी अर्थव्यवस्था का लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इंटरेस्ट रेट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट रेट सिर्फ भारत में नहीं, सारे देशों में, सारे इकोनॉमी में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के तरफ सारे सेंट्रल बैंक्स बढ़ गए थे, क्योंकि वो कोविड की महामारी के टाइम पे और उसके बाद जो असर रहा फाइनेंशियल सेक्टर, उस टाइम इकोनॉमी को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए लोगों के पास, छोटे छोटे बिजनेसेस के पास लिक्विडिटी हो, कम कम ब्याज में उनको पैसा मिले ताकि बिजनेस एक्टिविटी चलता रहे, इसीलिए सारे सेंट्रल बैंक्स अब मान लीजिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अभी जो देखेंगे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक के तरफ से बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल जो कंज्यूमर के लिए इंटरेस्ट रेट है वो भी तो बढ़ेगा। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहेंगे, जो कंज्यूमर या बैंकिंग सेक्टर का जो कस्टमर है, जो लोन भी लेते हैं, हमको मन में ये भी रखना चाहिए कि देखिए इन्फ्लेशन जब मान लीजिए अभी तो कम हो गया है, लेकिन उससे पहले तो 6% के ऊपर था इंटरेस्ट रेट हमारा। इन्फ्लेशन मान लीजिए इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन हमारा 6% है और आपने ब्याज लिया है वही 6% के आसपास, तो बैंकों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, और बैंक को जो डिपॉजिटर्स है उनको कैसे सर्विस करेंगे। तो इसीलिए ये सब जो चीजें हैं, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। आपका जब इन्फ्लेशन रेट काबू में आ जाएगा, ड्यूरेबली, जो जिसको हम कह रहे हैं कि ड्यूरेबल मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, मतलब ड्यूरेबल, हम जब ये सोच मान लेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% के आसपास रहेगा कंटिन्यूइंग बेसिस पे, तब इंटरेस्ट रेट कम होना, कम हो सकता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों को इकट्ठे एनालाइज करना चाहिए। If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.